नमस्कार, मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको बताऊंगा जूस पीने के नियम और सर्दी में खासकर जूस कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जूस पीने से कईयों को बार बार पेशाब आने लग जाते हैं। खासकर बुजुर्गों में, बड़े वडीले बुजुर्गों में मैंने देखा कि जरा सा जूस पी लें तो टांगे दुखने लग जाती हैं, बार बार यूरिन आने लग जाता है, या फिर कईयों को जूस पीने से जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या करें हम, जूस किस तरह से पिए, पिए या फिर ना पिए, इन सब बातों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ कौन से मौसम में किस तरह से हम जूस किसको कैसे पीना चाहिए। तो आइए बात शुरू करते हैं यहीं से कि जूस को अगर आप पचाना चाहते हैं जल्दी तो आप धूप निकली हो तभी जूस पिए, अगर धूप नहीं निकली हुई है तो कोशिश करें कि जूस ना ही पिया जाए। लेकिन यदि यदि आपके दांत भगवान ने आपको दिए हैं तो कोशिश यही करें कि जूस पिए ही नहीं, फल खाएं। फल में जो गुदा होता है, अगर भगवान चाहता तो बिना गुदे के जूस के ही पैकेट आप पेड़ों पे लटका सकता था, लेकिन उसने जूस के पैकेट नहीं लटकाए। चाहता तो कर सकता था, जैसे नारियल पानी अगर बना सकता है तो हर चीज का जूस बना देता। भगवान को भी इतना अगर होता कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें तो ऐसे कर देता कि ये सेब है, ये सेब का जूस है, जो आपको लेना है ले लो। लेकिन ऐसा नहीं, उसने फल बनाया। क्यों? क्योंकि गुदे की अपनी अहमियत है। गुदा पेट को साफ करता है, आंतों की सफाई करता हुआ जाता है, और दांतों की पहले वर्जिश हो जाती है उससे, और अंदर की गंदगी धुल गई। साथ ही साथ आपका मन प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह पेट साफ करने के लिए जाते हैं तो जितना फाइबर आपने लिया होगा उतना ही खुलकर मोशन पास होता है, और जैसे ही मोशन खुलकर पास होता है हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक्शन, कोई भी हम चीज़ करते हैं, कोई भी घटना घटती है, उसकी जानकारी ब्रेन को मिलती है केमिकल फॉर्म में। तो ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो सेटिस्फेक्शन देते हैं। आप कभी भी नोट करना, पेट साफ करने के बाद आपको लगेगा आहा, जिंदगी का मजा आ गया, कुछ देर के लिए आपको हल्कापन लगता है। तो वो ब्रेन, हमारे ब्रेन में ही अलग अलग तरह के केमिकल्स क्रिएट फॉर्म होते हैं, बनते हैं, जो हमें सुकून देते हैं। तो इसलिए अगर जो लोग अकेले जूस पीते रहते हैं या फाइबर नहीं लेते हैं, आटा भी खाएंगे तो बिल्कुल रिफाइंड खाएंगे, बिल्कुल चोकर नहीं खाते हैं, जो फाइबर की कमी जिनके अंदर हो जाए तो फिर वो पेट साफ नहीं होता अच्छे से। एक बात, इसलिए जिनके दांत हैं वो तो जूस ना ही पिए, फल खाएं। लेकिन कभी कभी हो जाता है खून की कमी, एनीमिया जिसको बोल देते हैं, या कई कई बार इतनी वीकनेस हो जाती है, व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि उससे कुछ चबाया भी नहीं जाता, भूख ही मर जाती है, बुखार हो गया या कभी और ऐसी समस्या आ गई कि व्यक्ति कहता कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, उस समय में एटलीस्ट उसको जूस चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर इस ना पीने से अच्छा है, ना खाने से अच्छा है वो थोड़ा जूस पी ले, और जल्दी ताकत भी आ जाती है। कहाँ आप चार मौसमियाँ या चार पांच सेब नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपको कमजोरी है तो हम जूस निकाल के तुरंत इतना सा जूस पिला दें तो वो ताकत मिल जाती है। जिनका पेट अक्सर खराब रहता है, लूज रहता है, उनको भी जूस नहीं पीना चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि जूस में एक्सट्रैक्ट आ गया सारा, अब इकट्ठा आप इतना, अगर आप एक मौसमी खाते हैं तो उसमें जितना रस होगा वो इतने जूस में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप एक गिलास जूस पियेंगे तो दो मौसमी, तीन मौसमी का जूस निकालना पड़ेगा, या किसी भी फल का। तो जूस एकदम अंदर ताकत की चीज़ भी चली जाए, कई बार पेट लूज हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा लूज वालों, पेट लो वालों को भी ज़्यादा जूस नहीं पीना, फल ही खाएं धीरे धीरे। और अगर पच जाए, जूस को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए, स्वाद ले ले करके, गटक गटक के जूस नहीं पीना, स्वाद ले ले करके, ताकि थूक अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साथ में जाए। और बैठ करके आराम से स्वाद लेकर अगर जूस पियेंगे तो आप पाएंगे जल्दी पच गया। लेकिन यदि आपको जूस पीने से टांगे दर्द हो गई, बार बार पेशाब आ जाते हैं बुजुर्गों को, तब क्या करें? तब आप जूस को गर्म कर लें। ध्यान देना, गर्म करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि गैस पर रख दो उसको और गर्म करो, वो बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के हिसाब से आप जूस आदि ऐसी चीज़ों को गर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक गर्म करने का मैं आपको विधि बता देता हूँ कि आप उस चीज़ को भी ठीक कर पाएं, उसके जो आपको नुकसान होने का डर है। कई बार ठंड चढ़ जाती है जूस पीने से, तो आप उस चीज़ को भी हल कर पाएंगे लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। कैसे? आप स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए,
तो आप उसको किसी भी चिमटे आदि से या किसी प्लास से पकड़ करके उसको गैस पर रख के गर्म कर लें, खाली बर्तन को। खाली बर्तन गर्म करने पर, थोड़ा सा गर्म करने पर ही गर्म हो जाएगा काफ़ी, थोड़ा लाल होने लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना, गर्म कर लिया जिससे कि आपको लगे कि हाँ अच्छा खासा गर्म है, तो उसके नीचे उतार लीजिए। अब उसमें जूस निकाल कर डाल दीजिए नीचे उतार कर, तो वो जूस 2 मिनट में ही गर्म हो जाएगा और गिलास हो जाएगा ठंडा। तो आप फिर वो जूस को थोड़ा उसमें हल्का सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो मिला दें, थोड़ा काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल करके, या फिर जिसको अगर सूट कर जाए तो हल्की फुल्की मात्रा में आप दालचीनी डाल सकते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब मिला करके। अकेली काली मिर्च भी काफ़ी है, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड कर जाता है जूस, उनको थोड़ी दालचीनी डलवाते हैं। तो ये सब मिला करके आप जूस को गुनगुना गुनगुना आराम से पिलाएं, और आप देखेंगे कि जिनको जूस से जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन अगर ऐसे गर्म करके पियेंगे तो दर्द नहीं करेगा। और फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक बात खास इम्पॉर्टेंट जो चूक जा अभी मेरे दिमाग से निकल जाने वाली थी, वो ये कि कई लोग जूस निकाल करके रख देते हैं, खासकर शादी ब्याह में देखा जाता है, लोग बताते हैं कि दोपहर को ही निकाल के रख देते हैं कि रात को सबको पिलाएंगे, या आप कई बार निकाल कर रख देते हैं कि मैं अभी अपने खुद का पी लिया, बच्चों का निकाल कर रख दिया कि अभी स्कूल से आएंगे तो हम उनको पिला देंगे। नहीं, ऐसा कभी ना करना। जूस निकला हुआ 15 से 20 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लेना, पी लेना। अगर आपने 15 से 20 मिनट के अंदर कंज्यूम नहीं किया, उसको नहीं पिया, तो वो बासी हो जाएगा, और बासी जूस सिवाय गैस करने के, सिवाय हाजमा खराब करने के, सिवाय आपको दर्द दें और शरीर को खराब करने के, और कुछ नहीं करता। फायदा तो 2% भी ना होगा शायद, ये इसका खास ध्यान रखना। फिर कई लोग कहते हैं हम बाजार से डिब्बा बंद पैक वाला जूस ले आए, वो जूस इतने ताकतवर नहीं होंगे। पीना चाहें कभी शौक से, खुशी से, स्वाद के लिए तो पी लें, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं जितना ताजे जूस में है। ये छोटी छोटी बातें जूस के विषय में थी कि कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। रात को तो कभी जूस ना पियो, और नज़ला जुकाम वाले खास ध्यान रखें। नज़ला जुकाम जिनको रहता है, वैसे तो फल ही खाएं अच्छा, लेकिन अगर नज़ला जुकाम वाले जूस पीना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह गर्म करने की जैसे मैंने विधि बताई, उसी विधि से गर्म करके आप उसका मजा ले सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।